हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीहूविटो व्लॉग्स। सो आज हम आए हैं नई लोकेशन पे, जो कि दिल्ली में नया प्लेस ओपन हुआ है और इसका नाम भारत दर्शन पार्क है, जो कि पंजाबी बाग में है। और आज हम इसी को विज़िट करने आए हैं, शाम के टाइम आए हैं और आज इसी को विज़िट करेंगे। और हमारी पीहू ये पीछे फ़ोटोग्राफी करवा रही है, ये देखो। तो आज ये यहाँ पे इस पार्क में वर्ल्ड के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस है और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी अभी देखते हैं, यहाँ का नज़ारा तो काफ़ी अच्छा है, जो कि वीडियो में मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और आगे अभी देखते हैं, अंदर अभी हमने एंट्री ली है। और टिकट कितने की है यहाँ की? पर पर्सन की टिकट है, नॉर्मल डे में है 100 रुपीज़, और प्रीमियम डे में, मतलब प्रीमियम टिकट जो होता है वो है 150 रुपये, 150। प्रीमियम का मतलब जो रात को यहाँ पे नाइट शो वगैरह होता है, लाइटिंग वगैरह का, आई थिंक वाटरफॉल वगैरह, तो उसका शायद है प्रीमियम टिकट। तो अभी चलते हैं अंदर। और ये मैंने भी कुछ देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इस पार्क में, तो अभी अंदर जाके देखते हैं। तो चलो अंदर मिलते हैं हम, बाय। सो गाइस, ये जो है ये फ्लावर टाइप बनाया हुआ है, पेड़ टाइप, बट ये एक वो है सोलर पैनल, सोलर सिस्टम, जिससे धूप से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो है ये। और अभी आगे चलते हैं। ये है, ये क्या है, गेट ऑफ इंडिया, ये शायद आई थिंक गेट ऑफ इंडिया है, पता नहीं मुझे क्या है, बट है, मैंने देखा हुआ है। तो अभी इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट ले लेता हूँ। ये देखो गाइस, ओमनी गाड़ी का क्या टूरिंग गाड़ी बना रखी है, चारों तरफ से ओपन। सो गाइस, पीयू तो है बिजी फ़ोटो वोटो क्लिक करने में, आज लगता है मुझे ही वीडियो बनानी पड़ेगी। सो ये देखिए, पीछे ये था गेटवे ऑफ इंडिया। सो अभी नेक्स्ट वाले के पास चल रहे हैं, और ये नेक्स्ट वाला काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखो बैठने का सिस्टम कितना अच्छा बना रखा है इन्होंने, गर्मी के टाइम पर काफ़ी अच्छा है ये वाला। और अब नेक्स्ट वाला आपको दिखाता हूँ, वो वाला भी बेस्ट है। इसको बनाया हुआ है सिलेंडर, जो छोटे वाले सिलेंडर आते हैं वो काट के उससे बनाया गया है ये। तो अभी दिखाता हूँ, सो ये वाला जो पेड़ है ये लोहे से बनाया हुआ है पूरा। और ये देखिए, ये छोटे छोटे सिलेंडर लगाए हुए हैं यहाँ पे, और ये पूरा लोहे से बनाया हुआ है, देख रहे हैं कितना अच्छा बना रखा है। ये आई थिंक बरगद का पेड़ बनाया हुआ है, इसके चारों तरफ पानी का वो बनाया हुआ है। यहाँ पे रात के टाइम वो पानी डांस होता है, जो भी बोलते हैं उसको, वाटर डांस, अभी वो भी हम देख के जाएंगे। सब ये देख लीजिए, देखो गाइस, इन लोगों को देखो कैसे फ़ोटो खिंचवाने में लगी हुई है। अभी है ना, बहुत सारी जगह है यहाँ पे, अब मूवी नहीं दिखाएंगे, शकल दिखाओ, इधर दिखाओ, हेलो। आज ये दोनों मन बना के आए हैं, फोटो ही क्लिक करनी है बस, कितनी अच्छी जगह है ना, वो दिखा दी मैंने। तो गाइस, अभी आए हम नेक्स्ट वाली की तरफ, और ये देखो ये पीछे वो आ गई, क्या बोलते हैं इसको, हवा वाली गाड़ी। और नेक्स्ट वाला जो है
वो है हवा महल, जो राजस्थान का रियल महल है, उसी की कॉपी बना रखी है। ये देखो, अच्छा देख रहे हो, ये वाला है जो राजस्थान में आई थिंक कहाँ पे है, राजस्थान में है शायद, नहीं सॉरी जयपुर में है ये, और हवा महल है, उसकी डिटो कॉपी बना रखी है। ये देख लो आप। स्टार्ट है गाइस, हम देख लो इसको कैसे बौखलाई हुई है। अभी हम आए नेक्स्ट वाले की तरफ, और ये वाला पहले देखा नहीं हुआ, ये सारा चीज मतलब ये वाला ज्यादा बेस्ट है, और ये वाला भी दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस अभी जा रहे हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, और नेक्स्ट वाला तो दिल्ली में जितने भी लोग रहते हैं उन्होंने देखा होगा या सुना होगा, और ये वाला तो काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है, और काफ़ी अच्छा बना रखा है। ये भी लोहे से बना रखा है, मतलब यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं सारी लोहे से बना रखी है, और इतना अच्छा किया हुआ है ना यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रिक के लिए सोलर लगा रखे हैं। और वैसे ये देखो पीछे वाला कहाँ होगा, इसके पीछे था, पीछे वाला वो कुछ गोल जो कुछ था नाम, मेरे को ध्यान से उतर गया, तो अभी दिखाता हूँ मैं अगले वाला। ये वाला देखिए, ये वाला काफ़ी बेस्ट है, थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे, तो लाइटिंग की वजह से काफ़ी अच्छा व्यू आएगा। और अभी ये वाला दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए होगा इसको, कहते हैं जिसको नहीं पता उनको बता रहा हूँ, जिसको कहते हैं कुतुब मीनार, जो कि 1 2 3 4 5 6 मंजिला है। और ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी अरेंजमेंट की हुई है बैठने के लिए, ये देखिए यहाँ से वहाँ तक, मतलब काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है ये पार्क। मैंने अभी जस्ट इसको खुले शायद हफ्ता या 10 से 15 दिन हुए लगभग, अभी खुला है ये पार्क, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा भी है, काफ़ी खुला स्पेस भी है, तो मैं तो कहूँगा एक बार आपको आना चाहिए, यहाँ पे घूमना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ पे जितने भी आई थिंक इंडिया के जितने भी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे सारे बनाए हुए हैं, और अमेजिंग बात ये है सारी के सारे लोहे से बनाए हुए हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है लोहे का उससे बनाए हुए हैं, तो जो कि अच्छी बात है। तो अभी मैं ये नेक्स्ट वाला दिखाता हूँ, नेक्स्ट वाला ये भी पता नहीं क्या है इसमें। गाइस मेरे को सच बताऊँ तो आधी चीज़ें मेरे को नहीं पता कि कौन सी चीज़ है क्या है, और तो आप ये कमेंट मत कीजिएगा कि आप चले जाते हो आपको पता होता नहीं है, क्योंकि हम भी पहली बार ही आते हैं इस जगह नई लोकेशन पे। तो अभी दिखाता हूँ मैं ये वाला, ये वाला छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, ठीक है गाइस, ये भाग रहे हैं और हम पीछे वहाँ रह जाते हैं, फिर वहाँ से भागते हुए आते हैं, बताओ ये गलत बात है। गाइस ये लोग लो बताइए, गाइस ये लोग फोटो क्लिक करने में बिजी है, और दिन भी ढलने वाला है, तो और वीडियो हाँ, फिर बात तो सही है, लेकिन फिर वीडियो फिर बाद में अच्छी नहीं आएगी। कजन आई है, सी हमारी जो कजन आई है, अब इसको ये तो पहली बार आई है ना यहाँ पे, खैर पहली बार तो मैं भी आई हूं, वीडियो अच्छी नहीं आ पाएगी, और हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, तो इसलिए मैं पहले वीडियो बना रहा हूँ, बाद में फोटो सेशन कर लूंगा, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये चीज बतानी चाहिए ना कि पहले वीडियो बना लेते हैं, एंड देन वी विल क्लिक द ऑल द पिक्स एंड ऑल, पर हमें कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, खुद आगे बढ़े जा रहे हैं। बोल चुका हूं ऑलरेडी, झूठ, सच सच बताओ। इसने बोला एक बार भी नहीं बोला ना, नहीं, नो आइडिया, देखा गाइस। चलो मैं आपको नहीं ये वाला दिखाता हूँ, ये आपने पीछे देख भी लिया होगा, ये पता नहीं क्या है, अभी दिखाता हूँ गाइस। ये ऐसा कुछ है बट नहीं पता ये क्या है, जिसको पता है वो बताना कमेंट सेक्शन में, बाकी बोर्ड, हाँ बोर्ड वहाँ लगा हुआ है, मैं अभी देख के बताता हूँ।
गाइस ये वाला जो मंदिर है ये ये वाला देख लीजिए पहले, ये वाला ये है मदुरे मंदिर और ये आई थिंक साउथ में है, तो ये देख लीजिए पीछे कैसा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घंटी भी टांगी हुई है उन्होंने। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। और हाँ गाइस, मास्क ज़रूरी लगाए रखना। मैं इसलिए उतार रहा हूँ क्योंकि वॉइस अच्छी आए, क्लियर आए, इस वजह से मैं बार बार उतार रहा हूँ। लेकिन जब मैं वीडियो नहीं बना रहा तो मैं मास्क नहीं उतार रहा, ठीक है। तो मास्क ज़रूरी लगाए रखे, और कोविड जो है दोबारा बढ़ रहा है तो घर पर रहे, ज़्यादा बाहर फिजूल का ना जाए। हालाँकि आप मुझे कहोगे कि मैं फिजूल का आ रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन गाइस मैं वीडियो बनाने आ रहा हूँ, जो कि मैंने सोचा है कि हाँ वीडियो में थोड़ा वीडियो वगैरह बनाए दिल्ली का, तो इस वजह से मैं आ रहा हूँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, तो दिखाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाला। और गाइस अंधेरा हो चुका है, तो लाइटिंग वगैरह भी प्रॉपर जली नहीं है जो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो इस वजह से क्लियर नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। हाँ ये है कि आप लोग हर बार मैनेज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कर लेना प्लीज़। चलो मैं नेक्स्ट वाला दिखाता हूँ। गाइस ये वाला जो है ये मंदिर बद्रीनाथ मंदिर है, जो कि कहाँ पे स्थापित है ये, शायद ये भी कहाँ पे है ये देख, ये उत्तराखंड में स्थापित है, ये देख लीजिए ऐसा कुछ है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट वाले की तरफ, नेक्स्ट वाला मंदिर भी दिखाते हैं आपको। ये देखो इन दोनों का कैसा मुंह हो गया क्या हो गया गाइस, ये ना मैं हमेशा ही डांटता रहा। अरे मैंने कहाँ डांटा है अभी आपको, मैंने यही तो बोला फोटो क्लिक कर लो, मैं वीडियो बना लेता हूँ। मंदिर जो है द्वारकाधीश मंदिर नाम है इसका, जो कि गुजरात में है। गुजरात में कहाँ है ये मुझे नहीं पता, गूगल कर लीजिएगा, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा तो आप लोग भी कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ गाइस, चलो नेक्स्ट वाला दिखाता हूँ मैं आपको। गाइज ये नेक्स्ट वाला मंदिर जो है ये है रामेश्वर मंदिर, जो कि ये पीछे है, और ये चार धाम यात्रा वाली मंदिरों में आता है। और ये कहाँ पे स्थित है, ये है तमिलनाडु में, तो ये देख लीजिए। बाकी मैंने अलग से वीडियो ले ली है इसकी, तो अभी नेक्स्ट वाले की तरफ चल रहे हैं। और नेक्स्ट वाला है गाइज, वीडियो बनाते बनाते अंधेरा हो गया, थोड़ी सी फ़ोटो वोटो क्लिक की थी हमने तो उस वजह से अंधेरा हो गया, मैं थोड़ा लाइटिंग में आ जाता हूँ। हाँ तो नेक्स्ट वाला मंदिर अभी दिखाते हैं हम आपको। और नेक्स्ट वाला भी मंदिर ये है जगन्नाथपुरी, जो कि ये है उड़ीसा में है ये आई थिंक, तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अब जा रहे हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, अंधेरा काफ़ी, ठंड का टाइम है इसलिए, इस वजह से 6 बजे दिन ढल जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो अभी SDMC ये देखिएगा इस जो लाइटिंग पे दिख रहा है आपको, ये लाइटिंग पे SDMC लिखा हुआ है, उन्होंने अपना सिंबल लगवाया है आई थिंक। तो अब चल रहे हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, अभी देखते हैं। और गाइस रास्ता देखो कितना अच्छा है, लाइटिंग वगैरह ये देखो पीछे का, वहाँ से हम एंड से हम आए हैं, मतलब वहाँ पीछे से ऐसे घूम के ऐसे आए हैं, अब ऐसे जा रहे हैं आगे। तो अभी दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट वाला आपको महाबत पैलेस, नेक्स्ट वाला है महाबत पैलेस। सो ये कुछ देख सकते हो मेरे पीछे, तो देखिए Oh, oh, oh.
ये देखो गाइस, ये कुछ व्यू है। यहाँ से अभी सीधा जाना है, एक वंडर इधर है, एक उससे आगे है, एक उससे आगे है, ऐसे कर करके काफ़ी सारे वंडर या फिर मंदिर कह लो। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सारे मंदिर है, जितने भी यहाँ पे लोहे के बनाए हुए हैं, ये आई थिंक सारे मंदिर है। हम तो सोच के आए थे कि यहाँ पे वर्ल्ड के सारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, हिस्टोरिकल हो गए या फिर जो मतलब काफ़ी फेमस प्लेसेस है वो सब होंगे, बट यहाँ पे तो अभी तक जितने भी मिले हैं थोड़े बहुत को छोड़ के वो सारे मंदिर ही ज़्यादा है यहाँ पे। तो अभी आगे और देखते हैं आगे और क्या क्या है नेक्स्ट वाले की तरफ। और पीछे वाला तो आपने देख ही लिया होगा, नेक्स्ट वाला कहाँ पे है, नेक्स्ट वाला आई थिंक गाइस सबसे एंड में है। ओ सॉरी, नेक्स्ट वाला एक यहाँ पे है। अरे वाह, ये वाला गजब है गाइस। हमारे पास DSLR नहीं है जिससे हम क्लियर वीडियो ले सके, इस वजह से फ़ोन से ही हम कर रहे हैं। और ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला है, इसका नाम है सूची स्तूपा, जो कि जिसने देखा होगा वो जानते होंगे इस मंदिर को देख, और जिसने नहीं देखा वो अभी देख लो। ये लास्ट वाला जो था, ये था विक्टोरिया पैलेस, जो कि एक पैलेस टाइप में बनाया हुआ है इन्होंने, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ से। तो अभी नेक्स्ट वाला मैं आपको दिखाता हूँ। ये नेक्स्ट वाला जो है, ये आई थिंक वो वाला रथ है जो जिसने बाहुबली देखी होगी वो देख के शायद समझ जाएंगे, वो वाला रथ है ये वाला आई थिंक, या फिर मंदिर का कोई भी रथ है वो नहीं पता, कंफर्म नहीं हूँ, बट वैसा ही कुछ है ये। तो देखा ही होगा सबने, ये है ताजमहल, और सबने सुना भी होगा दिल्ली में जो रहते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, नेक्स्ट वाला देखते हैं कैसा है क्या है। तो चलो
लड़की देख रहे हो गाइस, ये जो साइकिल की रिम होती है ना उससे बना रखा है। साइकिल का रिम हो गया और स्प्रिंग हो गया, ये इसके हेयर बना रखे स्प्रिंग से, और ये चेन हो गई, मतलब पूरा ही ये मटेरियल से, लोहे के मटेरियल से बना रखा है, वो भी वेस्ट मटेरियल से। कितना अच्छा बना रखा है ये। थी गाइस, ये वाला था लास्ट टेम्पल जो पूरे इसमें बाहर दर्शन पार्क में। तो अब रात हो गई है ज़्यादा, टाइम कितना हो गया, 6:46। तो अब हम जा रहे हैं घर पे, यहाँ से काफ़ी रात हो गई है, डार्क पड़ेगी घर पे, तो ठंड भी बढ़ती जा रही है। तो जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में लिख देना कुछ भी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस करना, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं घर पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक बाय, टेक केयर, और टिकट हो गया आपके पास, टेक केयर और ख्याल रखना अपना, और वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट करना, शेयर करना, और वीडियो को प्यार देते रहना ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। रात हो गई थी इस वजह से हम वीडियो क्लियर नहीं बना पाए, लेकिन यहाँ के जितने भी सारे स्ट्रक्चर थे सब हमने कवर किया, तो देख लेना। तो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।